boy saw her. What an outstanding look! What an outstanding look! छुप गए सारे नजारे, ओए क्या डैश 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 डैश। इंडिया का फर्स्ट सेलिंग मॉनिटर, इंडिया में पहली बार ये मॉनिटर सेल होने जा रहा है और सबसे पहले सेल हम लोगों ने किया है मिस्टर पीसी वालों ने। भाई लोग, जो थंबनेल देख के, जो पीसी का प्राइस देख के आप इस वीडियो में एंटर हुए हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सही है। इस पार्टिकुलर पूरे पीसी की जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है टोटल 10 लाख रुपए। टेन लाख रुपीस का पीसी है जिसमें एक सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी आ जाती है, एक बुलेरो आ जाती है, एक अच्छी सेडान आ जाती है, जिसमें एक 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट आ जाता है लखनऊ में, एक छोटा मोटा 1 BHK का फ्लैट न्यू दिल्ली में आउटर आउटसाइड पे आ जाता है। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लोगों की मंथ ईयरली इनकम नहीं होती है, उस 10 लाख रुपए का ये पीसी है। सो वर्सोल के सो साहब, माइसल शादाब खान, अंकित कुमार शर्मा, एंड वेलकम टू द मोस्ट हायर एंड पीसी बिल्डर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया, मिस्टर पीसी वाले। सो भाई लोग, आपको मैं आज बता रहा हूं 10 लाख रुपए के पीसी में कई कंपोनेंट अभी ऐसे हैं जो हम लोगों ने इस डेस्क पे नहीं रखे हैं ड्यू टू, हाँ मतलब समझो सफिशियंट स्पेस नहीं है इस टेबल पे, इसीलिए जितना सामान हमको दिख पाया वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा बहुत सारा सामान है, इनफैक्ट 2 लाख 2 लाख 35 हजार रुपए के आसपास का सिर्फ इसका मॉनिटर है, नॉट 4K 8K मॉनिटर। ये समझ लेना यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम जो आपका दिखेगा मॉनिटर है। कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने दिखा ही नहीं, किसी ने इनकी वीडियो ही नहीं बनाई। पर्सनल अनबॉक्सिंग भी करेंगे, आई बटन में सुपी फेक देना सब मिल जाएगा आपको। सो भाई साहब, इस पीसी का ऑर्डर आया है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमारे पास एक बच्चा है अली, उसने ऑर्डर किया है। एक मेरी सिस्टर है सदफ, उन्होंने ऑर्डर किया है ये पीसी को। 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इस पीसी की। सो आइए हम लोग जरा दिखाते हैं और एक बार बताते हैं, लुक्स वाइज परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी कमी नहीं है इस पीसी में। मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, वीडियो कम से कम 1 घंटे की जाएगी भाई साहब। जो पीसी इंथुजियास्ट हैं, जो टेक इंथुजियास्ट हैं, वो इस वीडियो को देखना, डिटेल में एक एक चीज के अनबॉक्सिंग करेंगे, उसको पीसी से कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर यूज करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो तो आपके सपोर्ट से हम यहां तक आए, आगे आपको लेके जाना है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। अब भैया नया पीसी अगर बाय करना चाहते हो, स्क्रीन में नंबर 9532777615 हमको व्हाट्सएप कर लीजिए, और वहां से रिप्लाई ना आए तो इंस्टा पे डीएम कर लेना आप, वहां पे आपको न्यू ऑर्डर के लिए क्वेरीज मिल जाएगा आपको, कैसे आपको पीसी परचेस करना है। ठीक भाई, आइए। सो भाई लोग, एक एक कंपोनेंट बताने से पहले मैंने सोचा आपको बता दें कि क्या क्या यूज होता है, एक बार ओवरव्यू दे दें ताकि आपको भी मजा आता रहे भाई साहब। तो ये देखिए, एक रखी हमारी कूलर मास्टर की RGB ट्यूब, कीबोर्ड, स्ट्रीमिंग प्लस, 4090 NZXT का केस, और ये देखिए आपका कंट्रोलर, PS5 और रेजर का माइक, माउस और हेडफोन, हेडफोन स्टैंड, दुनिया जहां की चीजें हैं इसमें। अभी 2 चीज मिसिंग है, वो आपको वीडियो में आगे मिलेगा। एक 5 लाख के आसपास का मॉनिटर, आइए सब कुछ हटाते हैं और एक एक कंपोनेंट की इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग करते हैं देसी स्टाइल में। 1 घंटे के ऊपर ही वीडियो जाएगी भाई, मजा आ जाएगा, देखते रहना, कसम से बता रहे हैं। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे किसी की वो नहीं को डाल पाए, वो आपको मिलेगा मिस्टर पीसी वाले के चैनल पे, as I promised you. So भाई, सबसे पहला कंपोनेंट जो कि हम लोग ने इस बिल्ड में यूज किया है, कोई भी पीसी होता है उसको बनाने के लिए हमको एक कैबिनेट चाहिए होती है, जो कैबिनेट हमने इसमें यूज की है, NZXT H9 Elite, व्हाइट कलर की कैबिनेट आती है, प्रीमियम डुअल चैम्बर मिड टावर के साथ आए। आइए आपके प्यारे अंकित भाई को बुलाते हैं, सील को ब्रेक करेंगे वो और दिखाते हैं कैबिनेट को। तो भाई लोग, ये रही हमारी कैबिनेट। अंकित भाई, अगर आप माइक ऑन कर लीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप जैसे आपको फर्स्ट इंप्रेशन आपको क्या लगा, मतलब कैबिनेट आपके नजर में कैसी लगी, आपके अकॉर्डिंग?
नहीं भाई देखो NZST हमेशा से बिल्ड क्वालिटी तो इम्प्रूव हमेशा करके रखता ही रखता कभी है। बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बिल्ड क्वालिटी से, और दूसरी चीज वेंटिलेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज करता नहीं करता कभी भी। तो ओवरऑल तो कैमरा बहुत अच्छी लग रही है। पहले देखो कुछ चीजें बताते हैं इसमें। फ्रंट पे एक टफेन आता है, साइड में एक टफेन आता है, टॉप पे टफेन आता है, टॉप पे 360 mm का लिक्विड कूलर आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लस एज वेल एज 360 आप साइड में लगा सकते हैं, एज वेल एज 360 आप नीचे लगा सकते हैं। आपको तीन फैन साइड में मिलते हैं, ARGB फैन जिसमें आपको ARGB मिलती है, बट जो इसे वाला नॉन RGB फैन है, प्लस तीन जो साइड में तीन फैन है ना वो ARGB फैन रखे हैं। फुल वाइट केस है, साइड से आपको ये देख लीजिए होल्स होल्स दे रखे हैं वेंटिलेशन के लिए। टॉप पे भी आपको होल्स का डिजाइन यहाँ पे, जो डिजाइन इन्होंने यहाँ फॉलो किया है वही सेम डिजाइन इन्होंने यहाँ पे फॉलो किया है। प्लस 3.0 के दो पोर्ट, टाइप सी का एक पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक जैक, पावर ऑन ऑफ स्विच। तो ये रही हमारी NZST कैबिनेट जो कि वेट काफी वेट है भाई, बहुत वेट है, वेट काफी वेट है कैबिनेट का। और अंकित भाई जरा खोलो देखते हैं इसके अंदर इसकी क्या चीज निकलती है। सो भाई लोग देखिए ये हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और इसमें हमको निकला है एक ये 240 का ब्रैकेट। देखिए एक ये 360 का ब्रैकेट था जो कि हमारा इसमें यहाँ पे यून लगा हुआ था इस तरह, ठीक। तो अगर आपको 240 mm लिक्विड कूलर लगाना है तो आपको ये इन्होंने इस बॉक्स के अंदर ये ऑलरेडी आपको ब्रैकेट दे रखा है, ठीक। और उसके अलावा कैबिनेट अंकित भाई ने एकदम डिसेंबल कर दिया है पूरा फुल्ली तरीके से। साइड का इसका कैसा है पीछे दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे आपको एक NZST का कंट्रोलर RGB कंट्रोलर देखा, वेल की क्वालिटी है और लिफ्ट अप फॉर SMPs यहाँ रखी जाएगी अंकित, और ये आपके SSD का स्लॉट का हो गया। तो जरा इनको अनबॉक्स कर लें। सो भाई उसके बाद जो हम लोग सप्लाई यूज कर रहे हैं वो देखिए कौन सी है, वो हमारी है Corsair। और बता दें जब ये वीडियो पड़ रही ना भाई साहब ऑल ओवर इंडिया ये सप्लाई आपको मिल नहीं सकती, गारंटी देते हैं हमारे पास रखी हुई है। कौन सप्लाई है? Corsair HX सीरीज HX 1200 वॉट 80 प्लस प्लेटिनम विद 10 इयर्स की वारंटी के साथ। भाई साहब सीरियल नंबर कितने गया पाजी? भाई साहब वीडियो लंबी होगी, घंटे की होगी, देखना जो एंथुसियास्ट होंगे वो जरूर देखेंगे। ये रहा सीरियल नंबर और इसकी सील हम लोग आइए करते हैं ब्रेक। तो ये खच ये खट देखिए क्या क्या मिलता है। एक बहुत ही मोटा सा प्रेम ग्रंथ मिल रहा है हमको, इसको हमने यहाँ रखा दिए, यहाँ रखा और ये यहाँ रखा, और ये कुछ थ्रेड्स मिलते हैं साथ में। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब ये देखिए कितना हैवी इसका पावर प्लग मिलता है, कितना हैवी ये हो गई हमारी पावर केबल। सपोर्टिव कुशन को हमने साइड किया, एक ये बॉक्स निकाला जिसके अंदर हमको रिक्वायर्ड केबल्स मिलती हैं जो कि आती हैं Corsair की बहुत अच्छी क्वालिटी। अरे भाई साहब इतनी हैवी हैवी केबल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी केबल्स मिलती हैं। ये हो गई ये साइड किया, और ये मिल गई हमको हमारी इंडिविजुअल पावर सप्लाई। तो भाई साहब ये देखिए Corsair HX 1200 140 mm का एक फैन दे रखा है, और ये देखिए फुल्ली आपको मॉड्यूलर मिलती है HX 1200। और बात करें प्राइसिंग की तो आज के टाइम में लगभग इसकी प्राइसिंग जा रही है रफली मांग के चलो आप 30,000 रुपए के आसपास। 1 2 3 4 सो टोटल भाई लोग ये कैबिनेट है। पहले आप मैकेनिज्म समझो कि कितने फैन इस कैबिनेट में लगा रहे हैं। ये कैबिनेट में हमको तीन फैन साथ में मिलते हैं, एक फैन रियर मिलता है, तो ये चारों फैन को हम हटा रहे हैं, इसकी जगह हम लियाली के फैन लगा रहे हैं। तीन साइड में, तीन नीचे, तीन ऊपर, एक फैन पीछे लगा रहे हैं। अब वो कौन सा फैन लग रहे हैं? वो लग रहे हैं आपके लियाली के यूनिफैन SL इन्फिनिटी वाइट ट्रिपल पैक यूज हो रहा है, थ्री फैन का पैक यूज हो रहा है, तीन फैन आते हैं एक पैक में। एक पैक को अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं बॉक्स का लुक कैसा किस तरह, ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह है लियाली यूनिफैन SL इन्फिनिटी 120 पैक ऑफ थ्री। तो इसको मैंने यहाँ से अनबॉक्स किया, एक फैन का मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। या काम करते हैं आप टाइम लैप्स देखो, मैं सारे बॉक्स अनबॉक्स कर लूँ सारे A to Z। तो भाई लोग फैन हमारे अनबॉक्स हो चुके हैं, ये देखिए
एक फैन का लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको जो इनबिल्ट फैन होता है इसमें आरजीबी दे रखी है, प्लस ये चार कोने हैं, इन चारों कोनों में आरजीबी है, प्लस इसमें इन्फिनिटी डिजाइन है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्फिनिटी डिजाइन है, इसके अपोजिट यहाँ पे इन्फिनिटी डिजाइन है। और दूसरी चीज ये देखिए आपके लॉक मैकेनिज्म पे हैं फैन, ये आपके लॉक हो जाते हैं। ये देखिए यूं इस तरह लगाते हैं अंकित भाई इसको, हाँ ये अंकित भाई इसमें लगा देते हैं, लगा के ये खट से करते हैं, मैंने सॉरी उल्टा फैन लगा दिया, आई एम सॉरी। तो ये अंकित भाई इस तरह इसको लॉक कर देते हैं, मतलब तीन फैन लगाओगे उसमें, तीन तीसरे जो फैन होगा उसमें केबल लगाओ, केबल लगा के आप केबल अच्छा कर सकते हो। और एक किट की कॉस्टिंग आती है रफली 9000 के आसपास। तो इतने फैन, टोटल 10 फैन हम लोग इस बिल्ड में कर रहे हैं यूज। सो भाई लोग फैन के बाद अब हम इसमें एनजेक्सटी बेस बना रहे हैं व्हाइट थीम पे। अच्छा हाँ एक चीज बताना भूल गया आपको, ये जो पीसी बन रहा है फुल व्हाइट थीम पे पीसी बन रहा है, लिक्विड कूलर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं आपका एनजेक्सटी का क्रैकन Elite 360 RGB including RGB controller जो हमें यूज नहीं है हमारा, तो भैया सील पैक है। आइए जरा इसकी सील को ब्रेक करते हैं। मिस्टर पीसी वाले के चैनल पे आज तक कभी भी इस को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सो ये कुछ लेआउट मिलता है, ये प्रेम ग्रंथ मिलती है जो कि हम पढ़ेंगे नहीं, ये तीन फैन मिलते हैं, RGB फैन है इसे तो भैया। और ये रहे आपका एक क्वालिटी देखिए कैसी फैन की, इसमें सिर्फ फैन में आरजीबी है, रिंग में आरजीबी नहीं कहीं भी। तो ये हो गए, तो ये हमने हटा लिया यहाँ से। उसके बाद एक ही किट मिलती है एमडी की, इंटेल की, प्लस ये कंट्रोलर मिलता है, इसका भी हमें कोई यूज नहीं, ये भी हमने हटा लिया साइड में। तो सबसे पहली चीज जो मुझे फर्स्ट टाइम एक बार जो देख के मुझे हैरत हुई वो ये हुई कि इसका सीपीयू हेडर बहुत अच्छा है, डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी है इसकी, बट जो सीपीयू हेडर का लुक है ना वो बहुत शानदार है। और ये रहा हमारा रेडिएटर एनजेक्सटी का क्रैकन एच एलीट 360। और बाकी ये पूरी किट आपको ये मिलती है, बात करें प्राइसिंग की, रफली 28-30,000 के आसपास इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। आइए खोलते हैं नया डब्बा। तो भैया जब 10 लाख रुपए का बिल्ड है ना तो उसमें कंपोनेंट भी एकदम आला दर्जे के लगेंगे, सुपर। सो इसमें कौन सा मदरबोर्ड हमारा यूज हो रहा है, मदरबोर्ड यूज हो रहा है Asus का ROG Maxima Z790 Dark Hero जो कि आता है 14 Intel 14 जनरेशन सर्टिफाइड। ये बिल्ड थोड़ा सा हम लोग का लेट हुआ इसीलिए क्योंकि हमने इसको बोर्ड को हमें चाहिए था लेटेस्ट वाला बोर्ड, तो इसीलिए हमने इस बोर्ड को लगाया है। इसकी सील कहां पे देखें। और एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहेंगे, Asus का कोई भी कंप्यूटर आता है ब्लैक एंड रेड कलर में आता है, बट इन लोगों ने Asus Dark Hero Z790 का बॉक्स फुल ब्लैक क्यों किया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि क्यों है इसका कलर ब्लैक। तो ये देखिए हमारी लगी हुई है सील, आइए हम इसकी सील को करते हैं ब्रेक। यहां से हमने सील को ये ब्रेक कर दिया, तो अब कंपोनेंट देखें क्या क्या निकलते हैं। ये निकला हमारा इंडिविजुअल मदरबोर्ड जो कि बहुत भारी, इसको हम रखते हैं साइड में। ठीक, उसके बाद क्या निकला हमारा, उसके बाद ये बहुत कुछ तीन यहां है इसके अंदर। तो एक तो ये कार्ड कुछ दे रखा है किसी चीज का, ठीक, कार्ड के बाद एक ये केबल वो दे रखी है ये आपके वो, और एक ये भैया पिन ड्राइव दे रखी है, पिन ड्राइव, और ये हमको दिया है वाईफाई 7 है इसमें, वाईफाई 6 नहीं वाईफाई 7। और ये मिले हैं कुछ स्टिकर्स Asus के, और ये प्रेम ग्रंथ, प्रेम पत्र, और ये बहुत सारी एक्सेसरीज मिली है जो कि हम सब कुछ इसको ऐसे ही इसके अंदर रख देंगे। सो भाई लोग सबसे मेन चीज जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना इस बोर्ड का वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, अल्टीमेट बिल्ड क्वालिटी पे बोर्ड है। ये देखिए आपको इसमें बैक प्लेट भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है जो कि फुल मेटल पे बैक प्लेट दे रखी है, ठीक। उसके अलावा वेट मशीन मैंने मंगाई, आपको वेट करके दिखाते हैं। ये देखिए क्या दिखा है आपको इसमें, ये तो बहुत मोटा सा NVMe का एक पैड दे रखा है, NVMe यहाँ लगेंगी और अंदर भी बहुत सारी NVMe लग सकती है, तो जब हम लोग लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको। बाकी ये देखिए ये खोला हमने ROG का लोगो, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, ये देखिए मैक्स क्या लिखा है भैया, ये मैक्सिमस डार्क हीरो, ठीक, यहाँ पे ROG का लोगो जलेगा और ये 4 RAM स्लॉट आएगा, और इसके आगे IO पोर्ट्स देखिए यहाँ पे, ये देखिए IO पोर्ट्स टाइप सी के आपको 2 पोर्ट दे रखे होंगे आई थिंक, और ये बाबा 3 पोर्ट दे रखे हैं टाइप सी के आपको इसमें, और ये देखिए यहाँ पे दिया है वाईफाई 7। सो भाई लोग ये देखिए हमारा हो गया वेट मशीन, इसको वेट करके देखते हैं कि कितना है, लगभग 1.5-2 किलो तो होना ही चाहिए आई थॉट, कितना 2.5
2.41 ढाई किलो का हो भाई साहब, याद रखना 2.418 ग्राम का है, लगभग ढाई किलो का हमारा ये है मदरबोर्ड। अब चेक करेंगे ग्राफिक कार्ड की बारी आने के बाद कि ग्राफिक कार्ड का कितना वेट है। सो भाई लोग, उसके बाद जो हमारा पीसी में कंप्यूटर यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है आपका प्रोसेसर, जो कि आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल i9-13900K। भैया कहां लिखा है दिखा दो भैया, इधर जाओ। ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी बाय माय मिस्टेक, मुझे पता था आप लोग गली दोगे, इसलिए मैंने इसमें 14900K यूज किया है। ये देखिए 14900K 36 MB कैश आती है LGA 1700 सॉकेट के साथ, और फुल सीड पैक है। सीरियल नंबर दिखा दें आपको, ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, और ये रही इसकी सील जो कि हमने ये यूं ब्रेक कर दी। ये रहा इंटेल i9-14900K। बात करें प्राइसिंग की, रफली 55,000 to 58,000 के बीच इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है। आपको ये ऑनलाइन बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं ना उस दिन इन सारे कंपोनेंट का प्राइसिंग क्या है। प्राइमरी स्टोरेज जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं आप सुन के दंग हो जाओगे। भाई साहब यूसी की रिमांड थी अली की, तो सबसे पहले यूज कर रहे हैं हम लोग सैमसंग की 990 Pro 2TB के NVMe, जिसकी रीड स्पीड आती है 7450K आसपास। तो ये प्राइमरी स्टोरेज पे यूज हो रही है। सेकेंडरी स्टोरेज पे यूज हो रही है हमारी सैमसंग की 970 EVO+M.2 NVMe 2TB की Gen 3। एक तो ये यूज हो रही है, तो 2TB, 2TB, 4TB, और साथ में यूज हो रही है एक 4TB की सीगेट की एक्सटर्नल ये इंटरनल HDD। तो मतलब 2, 4, 8 TB का स्टोरेज इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क रखते हैं साइड में क्योंकि ये टूट जाती बहुत तेज, तो भैया इसको हम कर रहे हैं साइड में, ब्रेक हो जाती है। अब आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमारी अम्मी ठीक, सबसे पहले तो ये रही, ये देखिए यहाँ से सील लगी हुई है, ये गई यहाँ से और ये गई, ये सही से कटी नहीं हुई, काट दें इसको। तो ये रही हमारी सैमसंग की 990 Pro 2TB की Gen 4 NVMe, और ये रही हमारी सैमसंग की 970 EVO Plus 2TB की Gen 3 NVMe। बात करें प्राइसिंग की, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप देख लीजिएगा कि प्राइसिंग इसकी क्या है। बहुत महंगी आती, बहुत महंगी। एक आइडिया बता दें, 990 Pro 2TB आती है रफली 17,000 to 18,000 के बीच, और 970 EVO Plus 2TB आती है रफली 13,000 के आसपास। प्राइमरी स्टोरेज के बाद अब बात आ जाती है रैम की, तो रैम कौन सी यूज कर रहे हैं जरा देखिए। तो कोर्सियर की डोमिनेटर प्लेटिनम RGB 32x2 64GB 5600 MHz की रैम स्टिक यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग। तो कोर्सियर की रैम यूज हो रही है, जिसकी सील ये लगी और ये ब्रेक हो गई, तो जरा हम खोल लें फिर दिखाएं आपको। सो भाई लोग, ये रही रैम हमारी जो कि हमने अनबॉक्स कर ली है। जो लुक देखिए सूफी, लुक दिखाओ अच्छे से कैसा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या गजब क्वालिटी। एक चीज दिखाएं आपको, क्वालिटी किसे कहते हैं, देखिए जो ये पेच लगे हैं ना, ये भी गोल्डन कलर के पेच लगे हैं, ये पूरी गोल्डन स्ट्रिप दे रखी है उन्होंने। देख रहे हैं क्वालिटी, देख रहे हैं आप, ये पन्नी लगी, पन्नी हटा दें यहाँ से रुकी पहले, ये देखिए। और पता है आपको पर LED कंट्रोल दे रखा है इसमें, ये देखिए। और वेट भी काफ़ी होता है, वेट दिखाएं कितना है एक सिंगल, इस अगर हम देखें ना सिंगल रैम तो और नॉर्मल रैम के कंपेयर में इसका वेट ज़्यादा होता है। तो ये अगर हम वेट करते हैं 100 ग्राम की तो होगी कम से कम, नहीं 87 ग्राम की एक स्टिक है, अदरवाइज और जो स्टिक होती है ना और उसी ब्रांड की, उनका रेट वेट काफ़ी कम होता है। बात करें प्राइसिंग की, रफली 25,000 to 27,000 की आपकी कॉस्टिंग आती है 64 GB रैम की 5600 MHz DDR5 में। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या डैश 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 डैश, तूने आंखें मिलाई सुबह से रात हो गई। सॉरी मेरा गाना वो है, और हम छुप इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मिस्टर पीसी वाले ने आज तक अपनी यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखाया। सो हम लोग जो ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं Asus का ROG Strix 1490 व्हाइट एडिशन बेबी। कौन सा एडिशन कमेंट करके लिखो, 1490 ROG Strix व्हाइट एडिशन। सबसे पहले ओवरऑल बॉक्स का लुक देखिए, फुल व्हाइट एंड ग्रे में है, 1490 लिखा है, OC एडिशन, जी 24 GB का GDDR6 बेस हमारा ग्राफिक कार्ड है। पीछे का लुक कैसा आता है, पीछे आपको दिया है यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड बना है, फैन बने, अंदर पूरी हीट सिंक का लोगो दिया है, ये ट्रांजिस्टर्स के लोगो दिए हैं, ये कंट्रोल का लोगो दिया है, सब दिया हुआ है। और सबसे मेन बात सील दिखा देते हैं भैया, ये देखिए अली साहब आपका ग्राफिक कार्ड फुल सील पैक यहाँ से भी
और फुल सील्ड पैक। यहाँ से भी सीरियल नंबर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये रहा आपके उसका ग्राफिक कार्ड का सीरियल नंबर, ये रहा। ठीक, तो आइए इसकी करते हैं सील ब्रेक वन साइड से। तो ये साइड है, इस साइड से ये सील इसकी यहाँ से ब्रेक करनी पड़ेगी हमको। ये देखिए ये 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 सील ब्रेक होगी। ठीक, तो ये हमारी सील ब्रेक हो चुकी है। अब इसको जरा हम खोलें देखें, तो देखते हैं इसको भैया टाइमलैप्स में करना। ठीक, इसको मैं प्रॉपर खोलने देना, लोगों को फील लेने देना, आवाज सुनना इसकी। जो खुशबू आती है ना, जो स्मेल आती है, हा मजा आ जाए भाई साहब। ये लिखा है PAP पाप 20 कलेक्शन DI सकेद टरा, कुछ पता नहीं कुछ पंजाबी में लिखा है। ओहो क्या बात है भाई साहब, आसु सारू जी स्ट्रिक्स लिखा है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। ये मैंने खोला, सपोर्टिव कुशन उधर चिपका हुआ है, ये निकला हमारा ग्राफिक कार्ड। और मुझे जहां तक की उम्मीद लग रही है कम से कम 2.5-3 किलो का ग्राफिक कार्ड है, तो इसको हम पूरा इसके जो इसका ये सपोर्टिव कुशन है, अरे बाबा उठ जाओ, इसके साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया इंडिविजुअल, ये रखा साइड में। उसके अलावा इसमें अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले खोलते हैं। तो एक तो ये कुछ डिब्बा मिला है हमको, इसके अंदर क्या है लेट्स चेक इट आउट बेबी। इसमें मिले हैं हम लोगों को ये कुछ प्रेम पत्र, कुछ पेपर वर्क और कुछ ये स्टिकर्स वगैरह, जो कि हम इसको इसी में इसी तरीके से इज्जत से बाइज्जत इसको रख देते हैं, इसके हमारे काम नहीं है। ठीक, उसके अलावा और निकालेंगे तो एक तो ये केबल मिल जाती है हमको, केबल के अलावा एक बॉक्स और है साइड का, इसको खोलेंगे तो हमको मिल जाते हैं इसमें, एक तो ये मिल जाती है प्लस एक ही GPU स्टैंड मिलता है जरा सा मुन्ना सा। उसके अलावा इधर क्या मिल जाता है, आहा इधर क्या मिलता है, एक पन्नी मिली है, इस पन्नी के अंदर कुछ रखा है, क्या रखा है देखना पड़ेगा। ये खोला हमने तो एक हमें ये मिला पाउच टाइप का, इस पाउच के अंदर क्या मिला, ये मिली है हमको काटो सब काटो काट सब काटो डिलीट डिलीट। अबे पंडित जी देख, सो भाई लोग पहली बार ये देखिए, आप लोग रील में भी देख सकते हैं, आसुस आरओजी 1490 ग्राफिक कार्ड मैंने अनबॉक्स किया, उसके साथ हमको एक ये हीरा मिला है, ये देखिए ये अंगूठी मिली है आसुस की आरओजी की, देखिए यहाँ पे आरओजी का लोगो लिखा है फॉर दोस हु डेयर्स, ये देखिए साइड में भी आरओजी का लोगो लगा है, ये यहाँ पे भी आरओजी का लोगो लगा है और पीछे आरओजी का लोगो लगा है, और हमको इसको वेट करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको हम वेट करके देखते हैं अंगूठी का वेट कितना है। सो हमने ये रखी अंगूठी, तो इसका वेट दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, 53 ग्राम मतलब 50 ग्राम की अंगूठी। सोचो अगर चाहे ये होती अगर सिल्वर की तो क्या होता, और भाई साहब क्या बताएं आपको हम। तो अली भाई साहब आपके लिए आसुस की तरफ से बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार गिफ्ट आया है, आपकी एंगेजमेंट रिंग आ चुकी है, आसुस ने भेज दी है, प्लीज आप इस रिंग को पहन के एंगेजमेंट कीजिएगा अपनी आसुस के ग्राफिक कार्ड के साथ। तो चलिए इन सारी चीजों को पहले साइड करते हैं फिर खोलते हैं इसका ग्राफिक कार्ड। तो भाई लोग ग्राफिक कार्ड तो सामान सब हटा के अब इसको हम निकालते हैं बाहर। तो ये बहुत टाइट है, बहुत टाइट, और सबसे अच्छी चीज एक बात और बताएं, इन्होंने देखिए यहाँ भी जो पैटर्न और टेक्सचर दिए ना वो आसुस आरओजी का ही टेक्सचर है, तो इसको भैया सामान रखो ये वापस जाएगा। और सीरियसली आई एम टेलिंग ग्राफिक कार्ड बहुत भारी है, रफली 2.5-3 किलो का तो होगा ही। तो यहाँ पे ये लगी हुई है सील, तो हम अपने देसी चक्कू से नाइफ से इस सील को करते हैं ब्रेक। तो ये हमारी सील हुई ब्रेक, और ये निकालने चाह रहे हैं हम यहाँ से इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड। भाई साहब बहुत वेटेड ग्राफिक कार्ड है, बहुत ज़्यादा वेटेड। सो ये है हमारा गया पानी। ओ भाई साहब इसको दिखाओ अच्छे से यार, ग्राफिक कार्ड को बहुत प्यारा ग्राफिक कार्ड है। देखिए तीन फैन दिए हैं, ये हो गया आपका फ्रंट, यहाँ पे लिखा है G4 RTX रिपब्लिक ऑफ गेमर, इसमें RGB मिलेगी, प्लस जो ये ट्यूब दे रखी है वाइट, इस पूरे ट्यूब में आपको RGB मिलेगी। उसके साथ ये रही बैक प्लेट, आसुस आरओजी लिखा हुआ है, आरओजी का लोगो लगा है, ये इसकी चिप हो गई, और ये हो गए 5 आपको IO पोर्ट्स मिल गए, और इसके कैप जो है वो भी वाइट है, कैप भी जाएंगे साथ में, ये भी वाइट दे रखा है, हीट सिंक कहाँ से कहाँ दे रखी है। Now let's time to weight of this graphic card. Approx मुझे लगता है 2.5-3 किलो के बीच में होना चाहिए, तो मैंने ये किया इसका वेट। तो भाई साहब वेट है इसका 2.47 ग्राम, 2 किलो 478 ग्राम, तो मतलब 2.5 किलो का हमारा ये इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड है। ये हमारे चैनल पे आज तक कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया है आसुस आरओजी स्ट्रिक्स वाइट ग्राफिक कार्ड।
ठीक भाई, तो ये ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग क्या है डिस्क्रिप्शन में पढ़िए आप चेकआउट के लिए। भाई लोग इतना हैवी ग्राफिक कार्ड है तो उस ग्राफिक कार्ड को हॉरिजॉन्टल तो लगा नहीं देंगे, तो वर्टिकल लगाना है, इसीलिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं NZXT का ही वर्टिकल GPU माउंटिंग किट। तो भाई साहब ये सील्ड पैक है यहाँ से, तो इसकी सील हम यहाँ से ये ब्रेक करते हैं, ये हमने यहाँ से सील ब्रेक कर दी। तो ये रहा हमारा राइजर केबल, बस ये देखिए इसमें यूं लगेगा, ये पेच ऑलरेडी लगा के दे रहे हैं, बस इसको आपको इंस्टॉल करना है और इसको मतलब बोर्ड में आपके लगा देना। तो ये राइजर केबल मिला है साथ में, ये चना जोर गरम मिला है, प्रेम पत्र, और ये मिले हैं पेच, जिस पेज से ये इसमें यहाँ पे यूं लगेगा, दिखा दें, ये इस तरह से आएगा भाई साहब, ये देखिए ये यूं आएगा, ठीक है केबल। तो ये बात करें ये होगा लगभग रफली 9 to 10,000 के आसपास, सिर्फ इसकी GPU होल्डर की कॉस्टिंग है, सिर्फ 9 to 10,000 रुपीस। अब भाई साहब ये तो हो गए कोर कंपोनेंट्स। अब अली ने बोला शादाब भाई मेरे सिस्टम में जो RGB होगी ना वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, RGB इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मेरे सिस्टम का जो लुक आए ना वो अल्टीमेट आए, क्या आ जाए, अल्टीमेट। अल्टीमेट को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, अल्टीमेट, अल्टीमेट है। तो इसके लिए हम लोग लगा रहे हैं एक, हम लोग ने दुबई से प्रोडक्ट मंगाया है जो कि इंडिया में आजकल अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मंगाया है, लियानली की 24 पिन स्ट्रीमर प्लस, दूसरा लियानली की 8 पिन स्ट्रीमर प्लस, ये लगेगी मदरबोर्ड में, ये लगेगी VGA कार्ड में, और एक मंगाया है इंपोर्ट करके हम लोग ने कोलर मास्टर की RGB ट्यूब जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं तीनों को आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। सारे कंपोनेंट बॉक्स हो गए हैं, ये रही आपकी लियानली की 24 पिन RGB केबल, एक तो ये रही आता है इसमें साथ में कंट्रोलर, ये रही लियानली की 8 पिन केबल, ये देखिए जो लगेगी, और ये आ गई हमारी कूलर मास्टर की RGB ट्यूब, ये देखिए ये RGB ट्यूब आती है, ये कहाँ यूज होती है, ये आपके जो लिक्विड कूलर के जो दो पाइप्स होते हैं ना उन पाइप के ऊपर चढ़ाई जाती है, इसमें RGB लुक आता है। तो ये तीन चीजें हो गई, ये तीनों चीजें हम लोग इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं। अब बुलाते हैं आपके प्यारे सबके प्यारे अंकित कुमार शर्मा भाई को, वो डिटेल में पीसी को बिल्ड करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे, पीसी जब रेडी हो जाएगा उसके बाद और कंपोनेंट्स इसके हम आपको दिखाएंगे। तो अली भाई देखिए सारे कंपोनेंट पूरे अनबॉक्स हो गए हैं, ये रही आपकी 1200 वॉट की सप्लाई और उनकी केबल, और भैया इतने सारे कनेक्टर स्क्रू कंट्रोलर ये पूरे हैं इसके जो यूजेबल है इसमें यूज हो गए। ये रहा आपका डार्क हीरो मदरबोर्ड और साथ में आपकी रैम हो गई DDR5 और ये हो गया प्रोसेसर लेटेस्ट 1400K और साथ में 1490K सॉरी भैया, और ये हो गया 990 प्रो हो गई एक की, और एक ये सेकेंडरी स्टोरेज हो गया आपका, और ये सेकेंडरी स्टोरेज में एक 4 TB की हार्ड डिस्क, और ये रहा NZXT का AIO वर्टिकल माउंट, और ये रहे आपके 10 फैन। तो भैया पूरे अनबॉक्स हो गए, एक काम करते हैं 1x1 सिक्वेंस से कंपोनेंट एक एक करके बिल्ड करते हैं, आपको बताते भी जाते हैं और साथ में कनेक्शन भी ऐड करके बताते हैं, क्योंकि इतने सारे कनेक्शन हो सकता है मे भी बहुत कंफ्यूजन हो आपको, तो भाई देखते जाइए बताते हैं 1x1 स्टेप बाय स्टेप। पहले लगाएंगे SMPS, फिर फैन का इंस्टॉलेशन करेंगे, बंडल रेडी करेंगे, बंडल इंक्लूड करेंगे, फिर AIO का इंस्टॉलेशन करेंगे, ओवरऑल लुक जनरेट करेंगे, देखते जाइए लुक कैसा आ रहा है और कनेक्शन वगैरह सब कुछ A to Z बताएंगे भाई।
touch. What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I say. तो भाई लोग पीसी अपना असेंबल हो चुका है, क्या क्या वर्क हो गया है इसका असेंबलिंग में आइए आपको एक बार हम दिखा देते हैं, सोच रहे हैं एक बार आपको रूबरू कराते हैं। तो ये देखिए सारा काम असेंबलिंग का तो हमारी तरफ से ए टू जेड कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। नीचे के तीनों फैन लग गए, साइड के तीनों फैन लग गए, ये अपना लॉजिस्टिक्स 1490 वाइट लग गया, ये कूलर मास्टर की आरजीबी ट्यूब लग गई, 8 पिन के मॉड केबल लग गई, डोमीटर रैम लग गई और पीछे फैन लग गया। और ये रहा देखिए इसका केबल मैनेजमेंट, ये देखिए ये रहा इसका जबरदस्त सा केबल मैनेजमेंट आपके इंडस्ट्री की H9 कैबिनेट का, ठीक भाई। तो एक काम करते हैं, हम साइड का पैनल बंद करते हैं, टॉप पैनल बंद करते हैं, उसके बाद आपको इसका लुक दिखाते हैं। सो भाई लोग सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सारे पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया है, अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं वहां पे इसका केबल लगा हुआ है, ठीक। उस केबल को जैसे हम ऑन करेंगे, वेट, जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो देखिए कहां यहां पे क्या होगा, 3 2 1 गो। ये देखिए हमने वहां पे ऑन किया, जैसे ही हमने ऑन किया ये मदरबोर्ड में टेक्सचर बन के आ रहा है, देखिए डिस्प्ले में ROG का लोगो बन के आ रहा है और मल्टीपल कलर से इसकी RGB जल रही है, है? क्या गजब लग रही है RGB, देखिए जबरदस्त, ठीक। तो अब इसको हम 3 2 1 गो करेंगे, फिर करेंगे इसको ऑन। सो 3 2 1 गो, ये हो गई भाई साहब अपनी मशीन ऑन। ओ भैया क्या बवाल चीज लग रही है ये, देखिए सबसे पहले इसकी ये पन्नी हटाते हैं यहाँ से, इसकी सपोर्टिव फिल्म जो लगी होती है साथ में वो इसको ये मैंने कर दी यहाँ से इसको रिमूव, ये सपोर्टिव फिल्म रिमूव हो चुकी है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस PC, ऑफ दिस 10 लाख रुपीज PC। ओ भाई साहब लियानली के फैन देखिए, ये देखिए फैन क्या मस्त लग रहे हैं, ये देखिए बेस के फैन तीनों लियानली के यूनिफैन, एक ही पीछे वाला यूनिफैन देखिए आप है, और ये टॉप के इसमें देखिए आपको वो भी मिलेगा वही वाला जो इफेक्ट होता है इन्फिनिटी इफेक्ट, वो भी आपको इसमें देखिए मिल रहा है। ये देखिए ये रहा एंडरस्टिक का आपका CPU हेडर, और उसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, डिस्प्ले में 27 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, और ये देखिए आपके डोमिनेटर रैम है, देखिए डोमिनेटर रैम का भी लुक क्या शानदार लुक आ रहा है देखिए आप। और ये रही आपकी XPG की 8 पिन की मॉड केबल, अब आप लोग पूछोगे भाई 24 पिन क्यों नहीं लगाई, 24 पिन इसलिए नहीं लगाई, सॉरी लियानली की हैं 24 पिन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे 24 पिन जब आज लगाई थी ना तो बहुत हॉच पॉच लग रहा था। ये कूलर मास्टर की RGB ट्यूब, ये देखिए इसमें ये RGB यहाँ पे आपके ग्राफिक कार्ड के पूरे उसकी RGB आ गई, कैसा लग रहा है PC आप लोग कमेंट करके बताओ। ये देखो और पीछे से देखा है, पीछे से भी इसका बहुत रुझो, पीछे से भी देखिए लुक क्या शानदार लुक आ रहा है, वेट है बहुत प्यारा PC लग रहा है, बहुत शानदार अल्टीमेट। नीचे भी इसकी जो ये फैन की RGB के कलर्स है ना वो नीचे भी जा रहे हैं, तो नीचे भी देखिए एफर्ट क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके बाद पता है क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम इसको PC में कनेक्ट करेंगे मॉनिटर अनबॉक्स करने के बाद, उसके बाद आपको इसके इफेक्ट्स मल्टीपल चेंज करके दिखाएंगे। तो लाइट्स ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए ये हो गई हमारी लाइट्स ऑन, पूरा PC पूरा एक दूसरे से सिंक है पूरा सिस्टम हमारा, ये देखिए पूरा सिस्टम सिंक हुआ पड़ा है, बहुत शानदार लग रहा है सिस्टम, मज़ा आ जाए देख के, मतलब एक बार में देख के मज़ा आए क्या चीज़ बनी है, देखिए कैसा लग रहा है
कमेंट करके आप लोग बताइए। आइए एक काम करते हैं, इसकी एसेसरीज को करते हैं अनबॉक्स, फिर करते हैं इसका मॉनिटर अनबॉक्स। कमेंट करके बताना पीसी आपको कैसा लगा। मैंने बोला था ना आपसे 10 लाख रुपए का पीसी है, तो अल्टीमेट कंपोनेंट्स हैं। अब ये देखिए, ये कंपोनेंट जो हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ना, आपने बहुत रेयर केस में इनकी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। देखिए क्या क्या है, माउस, हेडफोन, हेडफोन स्टैंड, कीबोर्ड। सो भाई लोग, माउस, हेडफोन, हेडफोन स्टैंड, कीबोर्ड एंड अनदर वन PS5। इन सबकी अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सब इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, डिटेल में दिखाएंगे कि क्या क्या अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, क्या क्या अंदर से इसमें निकलता है और कैसी कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। और वो रखा बड़ा सा हाथी 2.25 लाख रुपए का, वो देखिए वो रखा हमारा, उसको करेंगे अनबॉक्स आगे वीडियो में। सो भाई लोग, ये रहा माउस जो कि हम लोग इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं। कौन सा माउस है, आइए आप देखिए भाई साहब। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ब्रांड क्या है। बॉक्स देखिए, ग्रीन कलर का बॉक्स है और माउस की कॉस्टिंग पहले आपको बता दें, रफली 13,000 to 14,000 के आसपास के प्राइस का माउस है। कौन सा मॉडल नंबर है, रेजर की तरह से आता है, रेजर बेसिलिस्क V3 प्रो कस्टमाइजेबल वायरलेस अर्गोनोमिक गेमिंग माउस, जो अनलिमिटेड कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन मिलते हैं आपको। रेजर हाइपर स्पीड वायरलेस मिलता है एंड रेजर हाइपर स्क्रॉल टिल्ट व्हील मिलता है भैया। ये रहा बॉक्स और यहाँ से लगी है सील, यहाँ से लगी सील और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है दिखाएं आपको। देखिए इन्होंने लिख रखा है, रेजर ऑप्टिकल माउस स्विच Gen 3 माउस स्विच मिल जाते हैं। उसके अलावा रेजर फोकस प्रो 30K ऑप्टिकल सेंसर मिलता है बेस्ट इन क्लास प्रिसीजन के साथ, और वर्साटाइल कनेक्टिविटी एंड पावर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ, टाइप सी चार्जिंग एंड कंपेटेबल विद QI चार्ज। तो भाई साहब ये रहा माउस, बॉक्स कैसा लग रहा है आपके सामने है, ये देखिए जबरदस्त एक नंबर माउस बॉक्स है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं रेजर क्रोमा RGB से। तो आइए इसको करते हैं अनबॉक्स। ये रखा मैंने, तो भाई साहब ये रहा, देखिए डिब्बा, इसको हमने किया साइड में, ये मिला हमको अपना इंडिविजुअल माउस। इस माउस को मैंने निकाल के रखा बाहर, इसके अंदर क्या क्या मिलता है पहले ये चेक करते हैं। तो ये जो इसकी ट्रे हो गई जिसपे ये माउस रखा था, उसके अलावा ये एक बॉक्स मिला है साथ में हमको, और एक ये कुछ मिला है साथ में। अब ये क्या बवाल है ये नहीं पता मुझे। उसके बाद ये देखें ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जब हम इसको यूँ खोलते हैं तो हमको साथ में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेडेड केबल मिलती है जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, जिसके वन साइड आपको USB मिलता है देखिए, और अनदर साइड आपको यहाँ पे मिल जाती है टाइप सी, ये देखिए ये मिल जाती है, रेजर का लोगो है। और एक चीज़ और बता दें आपको, बिल्ड क्वालिटी वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज एक नंबर। अब बात आती है माउस की। सो ये रहा हमारा माउस, ये रहा हमारा व्हील, ये देखिए ये व्हील रहा, एक ये बटन, एक ये बटन, रेजर का लोगो और एक ये बटन, ये बटन, ये बटन, ठीक। उसके अलावा ये नीचे पन्नी चढ़ी हुई है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, देखिए ये मैंने हटाया। तो ये लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर ब्लूटूथ, फिर बीच में कुछ है ऑफ का, और फिर नीचे आपका है 2.4 GHz, ठीक। और ये एक प्रोफाइल लिखा, देखिए यहाँ पर प्रोफाइल देखा, और जैसे मैंने इसको ऑन किया ये इसमें लाइट आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, हम सारी पहले स्टूडियो की लाइट्स बंद करते हैं, उसके बाद आपको इसकी लाइट दिखा। सो भाई लोग देखिए, सारी लाइट्स हमारी ऑफ हैं। ये रखा है माउस, जैसे आप इस माउस को यूं हिलाते हो तो भाई साहब ये देखिए क्या खतरनाक RGB आ रही है इसकी, RGB की। ये देखिए स्ट्रिप पूरी यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखी है जो वर्क करती है जब आप इसको नीचे रखते हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा कलर आपको जनरेट करके देती है, रेजर का लोगो है इसमें RGB, और जो ये व्हील है ना, इस व्हील में RGB देखिए दे रखी है, ये RGB कंट्रोल होती है। देखिए मल्टीपल कलर चेंज हो रहे हैं इसके, है ये देखिए आप कलर्स कितने चेंज हो रहे हैं, और कितना शानदार लग रहा है यार, वाकई मज़ा आ जाए देख के, एक बार मतलब दिल खुश हो गया देख के इसको। ये देखिए माउस है, कलर कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए।
सो भाई लोग, उसके बाद जो इसमें हेडफोन दे रहे हैं इनको भाई को, वो आसूस की तरफ से आने वाला सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली हेडफोन दे रहे हैं। सबसे कॉस्टली, नाम क्या है आप खुद देखिए, आसूस नीचे लिखा है, आरओजी डेल्टा एस। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें देखिए, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है और आपके डिस्कॉर्ड सर्टिफाइड है एंड प्ले स्टेशन 5 सपोर्ट के साथ आता है। डिजाइन अवार्ड 2019 को मिल चुका है। ये कुछ इस तरह देखिए इसका बॉक्स है, लिखा है अ नॉइस कैंसलेशन कैंसलिंग माइक्रोफोन फुल बैलेंस्ड साउंड लेदर सॉरी लीडिंग हाई फाई ग्रेड ESS 9281 क्वालिटी DAC फॉर बेटर क्लैरिटी कंफर्टेबल लाइट वेट डिजाइन। काफी फीचर्स हैं और अब हम इसको करते हैं अनसील्ड और बात करें प्राइसिंग की, रफली 16,000 to 17,000 के आसपास इसका प्राइस आता है। तो So, ये खुला हमारा, वाह व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लिखा है Asus ROG Strix, लिखा है वेलकम टू द एलीट रिपब्लिक ऑफ गेमर्स कम्युनिटी। तो मैंने इसको यहां से जैसे ही हटेगा ये सपोर्टिंग क्वेश्चन, अब बहुत ही अच्छे तरीके से हेडफोन रख के मुझे दिख रहा है, बहुत मजा आ गया देख के। तो ये पूरा हम इसका बॉक्स निकाल लेते हैं बाहर, ये मैंने बाहर बॉक्स निकाला, अंदर एक ये मिलता है डिब्बा। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में हमको एक तो ये क्वेश्चन मिलता है एक्स्ट्रा, ये एक ये क्वेश्चन मिलता है, तो मतलब दो तो क्वेश्चन मिल गए साथ में, ठीक। ये प्रेम ग्रंथ हो गया, ये प्रेम पत्र हो गया, और एक ये केबल मिली है, ये देखिए टाइप सी फीमेल टू USB। उसके अलावा ये तो मिल गया है इसका माइक जो लगेगा, हेलो 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 हाउ आर यू हेलो 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 हेलो, ठीक। तो इन कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे किया साइड। अब निकाला हमारा इंडिविजुअल हेडफोन, तो ये निकला हमारा इंडिविजुअल हेडफोन और बिल्ड क्वालिटी मजा आ गया एक बार में देख के। ये देखिए ये है आपके सामने हेडफोन, सबसे पहले थोड़ा क्लोज दिखाना, ठीक। सबसे पहले देखिए ये कुशन की क्वालिटी देखिए, तो ये कुशन है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशन है, ये देखिए इतने लंबे निकल आते हैं। और ये मेटल का लग रहा है मुझे दिया गया इन्होंने, और यहाँ पे RGB, ये ROG में RGB है, पर जो इसका बॉर्डर है इसमें भी आपको RGB मिलती है। इधर बटन वटन कोई भी नहीं है। उसके अलावा इधर आ जाइए तो यहाँ पे आपको एक तो ये बटन मिलता है, अब ये किस चीज़ का बटन है ये मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा कि किस चीज़ का बटन है ये। प्लस ये मिलता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ठीक। ये दो बटन मिलते हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। और वो लगेगा कैसे देखना पड़ेगा, देखिए तो जो ये माइक है, ये माइक दिया है, ये माइक इसमें यहाँ पर यूँ लग जाएगा। तो भाई साहब ये लग चुका है और ये मैंने लगा लिया और ये माइक यहाँ पर मेरा हो गया, ठीक। साउंड अच्छे आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त साउंड आ रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। डिश्को डिश्को लगा ही नहीं है क्या, अच्छा मैं फर्जी फील कर रहे थे यार क्या आवाज़ आ रही है। सो भाई लोग ये हो गया, अब एक काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 16,000 का जिसने ये हेडफोन लिया ना, उसने 6,000 रुपये का हेडफोन स्टैंड भी लिया है इसको रखने के लिए। तो आइए ज़रा इसको सबसे पहले साइड करते हैं, और इसके कुशन रिमूवेबल हैं यहाँ से, ये देखिए इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं और ये दूसरे कुशन लगा सकते हैं। दोनों सेम ही कुशन दिए गए हैं, कुछ भी कुशन में चेंज नहीं है। तो एक काम करते हैं हम अब इसका हेडफोन स्टैंड अनबॉक्स करते हैं, वो दिखाते हैं आपको। तो भाई लोग जब इतना महंगा हेडफोन है तो उसको रखने के लिए हम लोगों ने इनको दिया है कोर्सियर का हेडफोन स्टैंड, जिसका नाम है कोर्सियर ST100 RGB। तो वाई लॉक फाइनली खुल ओपन हो चुका है, ये मैंने ओपन किया और ये निकाला हमने हमारा हेडफोन स्टैंड, और ये निकाला कुछ इसकी एसेसरीज। तो सबसे पहले एसेसरीज देखते हैं कि क्या क्या कोर्से वाले हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ हम कुछ तो हमको प्रेम पत्र दिख रहे हैं इसमें से, आई थॉट तो ये तो प्रेम पत्र हो गया, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हो गई, और कुछ हमारे क्विक स्टार्ट गाइड हो गई, और एक ये केबल दे रखी है, ये आपकी हो गई वन साइड ये वो वाली हार्ड डिस्क वाली केबल, वो उसका माउथ, सेकेंड माउथ है हमारा USB, इसको हमने ये साइड किया, ये यहाँ से हटाया और ये यहाँ से हटाया, ये निकला हमारा इंडिविजुअल हेडफोन स्टैंड। पैसा बोलता बाबा, पैसा बोलता, क्या बोलता है कमेंट में बताओ, पैसा बोलता भैया।
ये निकाला। तो ये फुल मेटल का हेडफोन स्टैंड दिया है हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे कोर्सर का लोगो है और यहाँ पे एक यूएसबी मिलती है आपको सपोर्ट चार्जिंग के लिए, प्लस एक ये यूएसबी मिलता है, प्लस इसमें आपको हेडफोन का भी 3.5mm जैक रखा है हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। बेस में कुछ नहीं मिलता, ये बॉर्डर में आपको यहाँ पे RGB मिल जाती है और ये केबल ऐसे कनेक्ट होगी। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ये कैसे होगी, हाँ यूँ हो जाएगी, ये कनेक्ट हो गई और ये दूसरा इसका जो USB का है ना ये आपके PC में कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको चार्जिंग करनी है तो आप अपना USB केबल यहीं लगा सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये हो गया। यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा, ये इस जगह पे देखिए कोर्सेयर का लोगो, इसमें RGB मिलेगी, प्लस इसमें यहाँ पे बॉर्डर पे RGB दी गई है, बहुत ही शानदार। तो अभी हम इसको लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखा आपने क्या क्या चीजें आती हैं दुनिया में, देखा आपने। उसके बाद भाई जो कीबोर्ड जा रहा है इनका वो भी जा रहा आसुस से चलने वाला, आसुस ROG स्ट्रिक्स स्कोप RX ABS और रेड स्विच पे फुल वाला कीबोर्ड जा रहा है, लीनियर एंड स्विफ्ट की दी गई है क्वालिटी USB इंजन के साथ। और अब इसको हम जरा सील इसकी ब्रेक करते हैं, तो ये सील ब्रेक हुई, ये सील ब्रेक हुई, ठीक। देखते हैं कीबोर्ड कैसा है, हम लोग तो ऐसे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, हम अपने पर्सनल यूज़ में भी इसको लेते हैं कीबोर्ड को कई बार। ये देखिए सबसे पहले हमने इसको निकाला तो ये, और इसमें ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर का स्टिकर भी मिलता है। तो इस बॉक्स को मैंने साइड किया और ये कवर से निकाला कीबोर्ड। सबसे अच्छी मेन बात आपको बता दें, सबसे पहली फर्स्ट थिंग, ओ भाई साहब ये देखिए दो इसमें दी गई हैं ये केबल कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, दो देख रहे हैं। और केबल की क्वालिटी देखिए, दिखाओ सूफी, देखो ये कीबोर्ड पड़ा है, ये केबल पड़ी इसकी, विद देखो केबल की कितनी मोटी है, क्वालिटी देख लो आप, क्या शानदार क्वालिटी दी गई है। तो मेरे एसी का वायर था, एसी का वायर होता ना इतना हैवी। और लेंथ देखिए आप, ये देखिए कहाँ से कहाँ चले जाए, कीबोर्ड यहाँ है और लेंथ देख लीजिए, ये देखिए। ओ भाई साहब ये रहा अपना सिल्वर प्ले बटन, भाई साहब बाप ने भाई यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया, हम लोगों ने किया, आप लोग वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। मिस्टर PC वाले लखनऊ में हमारा स्टोर है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है हमारे यहाँ से, ऑल ओवर इंडिया, दुनिया इंडिया के कोने कोने में डिलीवरी होती है। और जितने बड़े बड़े गेमर्स हैं उनका सबका PC हम लोगों ने बिल्ड किया है, एकदम बंदूकबाज गेमिंग, अंतर्यामी, बहुत सारे हैं, XYZ को नया PC बैक करना है 9532777765। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना हमको, मिस्टर PC वाले विदाउट एनी स्पेस। और हमारे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वो सारे चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, चेक कर लेना। तो भैया आप इस पर बात करते हैं, ये रहा हमारा कीबोर्ड जो वेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक USB का ऑप्शन दे रखा है चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए। तो भैया अली का ऑप्शन आपके पास बहुत है चार्जिंग के लिए, ये देखिए है, ये देखिए ये आ गया। और आवाज़ सुना है आपको इसकी, ओके सुनिएगा आवाज़, ठीक। इसकी की निकल देखा है, ये देखिए रेड स्विच पे है, यहाँ दिखेगा, ये देखिए सब रेड स्विच पे है, देख रहे हैं आप रेड स्विच पे पूरी हमारी इसकी कीज दे रखी हैं। और इस F9 को हम लगा देंगे, जिस शराफत से निकाला है उसी शराफत से, तो ये लग गया। तो ये रहा कीबोर्ड जो कि हम लोग इस बिल्ड में कर रहे हैं यूज, ठीक। सो भाई लोग सारे कंपोनेंट तो आपने अनबॉक्स होते देख लिए हैं, दो तीन कंपोनेंट्स और थे जो हम लोगों ने इनके दिए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एक 360 डिग्री कैमरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं Insta360X3। ये देखिए एक साथ इनका एक कैमरा गया है 44,000 का, 45,000 का, और एक ये इसकी 10 मीटर की स्टिक गई है, सॉरी 30 सेंटीमीटर 3 मीटर की स्टिक गई, देखिए ये सेल्फी स्टिक से कहते हैं, एक ये साथ में इनके गई है, ठीक। ये दो चीजें हो गई, और एक चीज जा रही है, वो जा रहा है ये देखिए, ये रहा हमारा PS5 प्ले स्टेशन 5, एक ये जा रहा है डुअल कंट्रोलर के साथ, और एक बहुत बड़ी बहुत महंगी चीज जा रही है जिसके पीछे जिसके आगे अभी हम खड़े हैं, ये रहा मॉनिटर हमने कौन सा इसमें दिया आपको बताते हैं। मॉनिटर हमने इसमें दिया है इंडिया का फर्स्ट सेलिंग मॉनिटर, इंडिया में पहली बार ये मॉनिटर सेल होने जा रहा है, और सबसे पहले सेल हम लोगों ने किया है मिस्टर PC वालों ने। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द होल टीम ऑफ मिस्टर PC वाले एंड माय होल फैमिली ऑफ मिस्टर PC वाले। तो ये मॉनिटर है आपका सैमसंग ओडिसी G9 Neo 57 इंच 8K मॉनिटर, कितना के, डुअल 4K मतलब 8K मॉनिटर है ये, 57 इंच का मॉनिटर उन्होंने दिया है, जिसमें आपको 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1 ms का GTG रिस्पांस टाइम है,
और जो कर्वेचर है ना वो इतना जबरदस्त है, कुछ चीजें फिजिकल ओवरव्यू दिखाते हैं आपको इस मॉनिटर का, देखिए। और हाँ सुनो, इसकी हमने इसी चैनल इसी वीडियो में अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कम से कम बनी है आपके 15 मिनट की, तो उसके लिए आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है, आई बटन में लिंक आ रहा है, चेक जरूर कर लेना। भाई साहब बहुत महंगा, 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर का मॉनिटर है ये। हाँ भाई डॉक्टर, मैंने आपको कीबोर्ड माउस सब कुछ अनबॉक्स करके दिखाया था बट कुछ भी चला के नहीं दिखाया, तो अभी काम करते हैं, पूरे स्टूडियो की लाइट्स ऑफ करते हैं और सिस्टम को करते हैं ऑन। ओ बॉय साहब, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग लुक, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग लुक, क्या जबरदस्त हमारा पीसी लग रहा है। देखिए लाइट्स ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए क्या पीसी शानदार लग रहा है। एक एक चीज दिखाना शुरू करते हैं, उसके बाद ये रहा हमारा हेडफोन, ये देखिए हेडफोन में भी हमारे RGB दोनों साइड दी गई है और दोनों साइड की जो हेडफोन की RGB है ये हमारी सिंक है। ये देखिए देखिए पीसी देख रहे हैं, पीसी से ये हमारा सिंक है, देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है। अल्टीमेट ये रहा हेडफोन और ये रहा आपका हेडफोन का स्टैंड जिस पे हमारा हेडफोन रखा जाएगा। देखिए कोर्सेयर के लोगों में भी RGB विद सिंक, इसके बेस में भी RGB है विद सिंक। ये रहा हमारा माउस, ये देखिए माउस में भी आपको फुल RGB मिलेगी यहाँ बेस से लेके, ये देखिए। उसके अलावा ये रहा हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड के जो RGB इफेक्ट्स है ना वो इतने शानदार हैं कि आगे वीडियो में आपको दिखेंगे कीबोर्ड के RGB इफेक्ट सारे। ये देखिए FN दबा के आप इफेक्ट को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा ये सिंक मोड पे कंट्रोल नहीं होगा भैया, ये हम लोगों ने मदरबोर्ड से सिंक रखा है इसीलिए चल नहीं रहा है, अदरवाइज ये जब ये सिंक से हटा देंगे ना तो आप इसकी RGB मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये रहा हमारा मॉनिटर, ये देखिए साइज देखिए आप मॉनिटर का, देखिए कर्सर कहाँ गया, ये रहा कर्सर। इसको माई दिस पीसी को ऑन करें, 2TB 990 Pro हो गई, 2TB 970 Pro Plus हो गई और 4TB हो गई एक्सटर्नल HDD। भाई साहब मॉनिटर देखिए, लुक देखिए आप, लुक एंजॉय कीजिए, खाली मज़ा आ जाए देख के एक बार में। ये देखिए डुअल 4K, ये देखिए देख रहे हैं 7680 डुअल 4K मतलब 8K और लगा है कंट्री टू वीडियो जी 4090 के साथ OTC G9 मॉनिटर है हमारा। ये 57 इंच का मॉनिटर है 8K मॉनिटर, लुक कैसा आ रहा है कमेंट करके बताइए। 10 लाख का पूरा पीसी सेटअप हुआ भाई साहब, 10 लाख का। और हाँ एक दो चीज़ आपको और दिखाएं, मॉनिटर भी बहुत शानदार RGB है। देखिए मॉनिटर में एक तो इस साइड RGB है, ये देखिए एक RGB की स्ट्रिप भी हुई है, ये देखिए है एक ये RGB का ये स्ट्रिप, फोन कैमरे में नहीं दिख रही इतनी, अदरवाइज दूसरी RGB स्ट्रिप एक ये गई है, ये देखिए यहाँ पे। तीसरी RGB जिसकी है वो दिखाते हैं, वो आप देख के सन्न रह जाओगे, सीरियसली बता रहे हैं क्योंकि मैंने इतनी ब्यूटीफुल RGB लाइट मैंने नहीं देखी आज तक। ये देखिए ये रहा हमारा मॉनिटर का बैक पोर्शन मतलब रियर पोर्शन, और इसमें ये देखिए लाइट, क्योंकि मैं इस लाइट बेटा ये लाइट परफेक्ट वाली बंद करो तो देखिए कम से कम ये लाइट क्रिएट कर रही है, तो ये मैंने बंद कर दी। ये देखिए अब देखिए जो इससे पहले G9 49 इंच के आते थे ODC उनमें खाली हल्की सी छोटी सी रिंग होती थी, इसमें इतनी बड़ी रिंग है कि अगर आप इस मॉनिटर के पीछे कोई वॉल के आगे रखोगे इसको तो वॉल के पीछे ऐसा ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट करके देगी। है देखिए ARGB रिंग लाइट है, क्या शानदार लग रही है। ये देखिए मॉनिटर के पीछे मज़ा आ जाए देख के यार, क्या सीरियसली अगर आप पैसा फेंको तो आपको क्या नहीं मिल जाता है, पैसा फेंको तमाशा देखो वो वाला हाल है। ये देखिए PC आपके सामने है, कैसा लग रहा है आप लोग बताओ यार, बहुत प्यारा PC बनाया हमारा, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ये लाइट्स को कर दिया हम लोगों ने ऑन, वो लाइट्स ऑन होने के बाद देखिए लुक कैसा आ रहा है। अब एक काम करते हैं, एक वीडियो चलाते हैं आप देखिए, उसमें हम इस कैबिनेट के मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाते हैं आपको, के मल्टीपल इफेक्ट्स के इस मॉनिटर के यहाँ पे एक विंडो ले आएंगे, इसमें चेंज होते रहेंगे इफेक्ट्स, यहाँ आते रहेंगे।
कैसा लगा भाई लोग कमेंट करके बताना। मिस्टर पीसी वाले के इतिहास का सबसे महंगा पीसी आज बिल्ड हुआ है भाई साहब 10 लाख रुपीस का। अब आप में से कई लोग कमेंट करके सोच रहे होंगे शायद भाई 10 लाख का पीसी बोल रहे हो, इसमें इतना बहुत कुछ आपने दिया है। तो भाई साहब जब पीसी गया है 10 लाख रुपये का, सब कुछ मिला के 10 लाख का गया है, तो मैं सदा क्या ही बोलूँगा, या यही तो बोलूँगा 10 लाख का पीसी गया है और हमारी तरफ से पीसी कंप्लीट हो चुका है। अली को बहुत बहुत मुबारक हो ये पीसी, बस लेके जा रहा अभी बैठा हुआ, लेके जाएगा। और कोई नया पीसी बाय करना इसी तरीके से आपको, तो 9532777615 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको कॉल कर लीजिएगा। उसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिएगा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस, वो आपकी इंस्टाग्राम आपकी भाभी मैनेज करती हैं निशादाब, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9026640601। ठीक है भाई, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाउन पूछ लेता, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, बहुत मेहनत की पीसी बनाने में, बहुत मेहनत, थक चुके हैं एकदम। ठीक भाई, सो आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, ऐसी दोस्ती बनाइए, जल्दी मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और इस मॉनिटर की इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग देखनी है, देखो नीचे नीचे दाएं बाएं कहीं ना कहीं वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करो, अनबॉक्सिंग देख लेना इस मॉनिटर की इंडिविजुअल, मजा आ जाएगा देखिए।